आज के वीडियो में हम इतिहास हिस्ट्री विषय के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौर्य वंश और उसके प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और महान अशोक के बारे में जानेंगे। कक्षा छठवीं का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक है, लेकिन यह छठवीं के साथ ही साथ अन्य कक्षाओं क्लासेस के लिए भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी जीके और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम जितने भी इस टॉपिक से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारे एजुकेशनल वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम मौर्य वंश और उस वंश के जो प्रमुख सम्राट हुए उनके बारे में जानेंगे, जैसा हमने पहले चर्चा किया, और इसमें मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, जो महान अशोक सम्राट हुए उनके बारे में मुख्य रूप से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो थे वे थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और घनानंद एक राजा था जिसको हराने में चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य जो थे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बने तो उनके प्रधानमंत्री बने। चाणक्य को हम अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त इन नामों से भी जानते हैं। और इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ। और जो अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया था उसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में बैठा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह था जैन धर्म का अनुयायी था, मतलब जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को क्या किया? हराया। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी जो उसकी बेटी थी सेल्यूकस निकेटर की, कार्नेलिया का विवाह, शादी जो था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। और युद्ध की जो संधि और शर्त निर्धारित हुआ था उसके अनुसार उनको, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने चार प्रांत कौन कौन से थे? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये चार प्रांत चंद्रगुप्त को दिया गया। और मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा वह जैन धर्म का अनुयायी था, इसके पूर्व हमने इस पर चर्चा किया था। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहां? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, एक जगह का नाम है श्रवण बेलगोला, उस स्थान पर बिताया। और इनकी मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई। उत्तर और पश्चिम के कई हिस्सों को जीतने के अलावा उसने क्या किया? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी हराया और यूनानियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। मेगस्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका अपनी पुस्तक, मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, इसमें क्या किया है, उन्होंने वर्णन किया है। बिंदुसार उनका बेटा जो था वह राजा बना और वह 298 ईसा पूर्व में क्या हुआ, मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार क्या था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार को और किस नाम से जानते हैं? अमित्रघात। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। अब जानते हैं महान सम्राट हुए जो मौर्य वंश के सम्राट अशोक, उनके बारे में। बिंदुसार का बेटा था वह था अशोक। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया
और वहां अधिकार कर लिया। और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद वहां अधिकार कर लिया, पर इस युद्ध को जीत कर भी क्या हुआ, अशोक का मन दुख से भरा रहा। मतलब वह खुश नहीं था, युद्ध को जीतने के बाद भी उसका मन अत्यंत दुखी रहा, क्योंकि युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए और हजारों घायल हुए और अनेक स्त्री पुरुष बच्चे बेसहारा हुए। यह सब देखकर अशोक ने क्या किया, संकल्प लिया, प्रण लिया, शपथ लिया कि वह फिर अब कभी युद्ध नहीं करेगा। अब जानते हैं अशोक का धम्म, ये देख रहे हैं आप उनके द्वारा खुदवाया गया स्तंभ लेख। अशोक के धम्म में ना कोई देवी देवता थे और ना ही उनमें कोई व्रत, उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई थी। सम्राट अशोक का व्यवहार अपनी प्रजा के लिए वैसा ही था जैसे पिता का अपनी संतान के प्रति होता है। अपनी प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलने और प्रोत्साहित करने के लिए उसने क्या किया था, अशोक ने धर्म महामात्र नामक अधिकारी रखे थे जो गांव-गांव, नगर-नगर जाकर प्रजा को सही व्यवहार की बातें बताते थे। दूर दराज के क्षेत्रों में यही बातें उनके पत्थरों के स्तंभों, खंभों और चट्टानों पर खुदवाए। जैसा ऊपर देखा हमने, अशोक ने ये संदेश लोगों की बोलचाल की भाषा पाली में खुदवाए ताकि लोग आसानी से पढ़ सके। अब जानते हैं अशोक की शासन व्यवस्था। तो सम्राट अशोक का राज्य क्या था, बहुत विशाल था। उसकी राजधानी क्या थी, पाटली पुत्र थी। और विशाल राज्य की देखभाल के लिए उसने अपने राज्य को चार प्रांतों में बांटा था, जो कौन कौन से जानते हैं, उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में सुवर्णगिरी, पूर्व में तोसली और पश्चिम में उज्जैनी। इस तरीके से चार प्रांत में उन्होंने बांटा था अपने राज्य को। ये देख पा रहे हैं आप चित्र में भी, चार प्रांत उनके। यद्यपि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था, फिर भी वह क्या करता था, सभी धर्मों का सम्मान करता था और उन्हें दान भी देता था। वह प्रजा से भी कहता था कि सभी धर्मों की बातें सुने और उनका सम्मान करे। आज हम सभी जान रहे हैं कि भारत सरकार का जो नोट होता है या कागजात रहता है, उस पर आप सभी ने देखा होगा कि चार सिंह वाली जो मूर्ति दिखाई देती है वह सम्राट अशोक के समय की ही है। साथ ही साथ सारनाथ और दूसरी जगहों से जो प्राप्त स्तंभ और मूर्तियों की जो कलाएं हैं, ऐसे नमूने हैं जो आज भी अशोक की याद दिलाते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में चार सिंह वाली मूर्ति में सिंह के अतिरिक्त और क्या क्या है, बैल है, घोड़ा और 24 तिलियों या धारियों वाली चक्र की आकृति बनी हुई है। इनका भी एक प्रतीक है, सिंह को शक्ति का, बैल को श्रम का और घोड़े को ऊर्जा का, ऊर्जा और गति का, और चक्र को निरंतर कार्य और प्रगति का प्रतीक माना गया है। और चक्र के नीचे क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है केवल सत्य की विजय होती है, जय होती है। देख पा रहे हैं आप अशोक स्तंभ और 24 तिलियों वाले चक्र। अशोक के बाद मौर्य वंश करीब 50 वर्षों तक चला। उसके बाद उसका स्थान अनेक छोटे छोटे राज्यों ने ले लिया। राजा अशोक के दया, प्रेम, शांति और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना के कारण उसके सारनाथ स्तंभ शीर्ष को हमारा क्या किया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह माना गया है। तो आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से मौर्य वंश और मौर्य वंश के जो प्रसिद्ध सम्राट हुए उनके बारे में जाना। नेक्स्ट हमारा एजुकेशनल वीडियो में आप सभी जानेंगे विदेशों से जो उस समय व्यापार और संपर्क किस तरीके से आगे बढ़ा और आगे किस तरीके से व्यापार में वृद्धि हुई, विदेशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध कैसे रहा, इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।